सनसेट बिल्कुल वहाँ पे होने वाला है। अब तो उस वाली तरफ को भी सारे भीड़े हैं, ये देखो भाई तुम वहाँ पे बर्फ़, क्या हाल है बर्फ़ का वहाँ पे। तो भाई ये ना यहाँ पे टेंट लगा हुआ है, दाल वहाँ पे उबलने लगी हुई है, कुकर काफ़ी सारी सीटियाँ बजा रहा है और सनसेट वहाँ पे होने लगा है। बोले भाई बार बार सनसेट दिखा रहा है, इतना प्यारा व्यू है ना भाई वहाँ पे, सामने पे पहाड़ है, नीचे ऊपर सनसेट होने लगा, ऊपर सूरज है और बादल भी हैं, तो बहुत प्यारा व्यू है भाई उस जगह का। बाकी भाई यहाँ पे ना जो हमारे ये नोमैडिक चरवाहा है भेड़ पालक है मामा सिरी, इन्होंने भाई एक ये रखी हुई है देखो टॉर्च, लालटेन की उसमें बनी हुई है ना सेफ में, तो ये है सोलर वाली, ये सोलर प्लेट है ना भाई, और इसकी जो सोलर प्लेट है ना इस वाली लालटेन की टॉर्च की, वो तो यहाँ ऊपर पे लगी हुई है, ये चार्ज कर रही है इस वाली को, तो थोड़ा सा ना मुझे चाइनीज़ जैसी लगी है, तो ये अपने भेड़ पालकों के लिए भी चाहिए यार ऐसी जैसी कुछ ना, पर वो तोड़ देंगे भाई, ऐसी जैसी चाहिए भाई कुछ। तो ये भाई सोलर प्लेट है, और इस सोलर प्लेट से ना उन्होंने वहाँ पे अपनी एक टॉर्च को चार्जिंग पे लगाया हुआ है, मैं दिखाऊँ तो आपको, ये यहाँ पे ये देखो भाई ये लगी हुई है टॉर्च चार्जिंग पे यहाँ पे, और ये इनके बर्तन वगैरह है, गिलास, ये दराट देखो कितना बड़ा दराट रखा हुआ उन्होंने लकड़ी वगैरह काटने के लिए, और ये यहाँ पे आगे इनके पट्टू वगैरह और सारे बर्तन वगैरह, बाकी सारा बिस्तर वगैरह सब पड़ा हुआ है यहीं पे। बाकी इस वाली पतीली में हमने चाय बनाई थी, चाय पी हमने, और ये गुच्छी है जो गुच्छी मिली थी भाई इनको वो, बाकी यहाँ पे दाल लगी है अभी उबलने, तो बस भाई ऐसा जैसा माहौल है यहाँ पे। इतनी मेहनत करते हैं भाई भेड़ पालक ना जंगलों में रह करके, देखो तुम कितनी सारी लकड़ियाँ ले आए मामा जी यहाँ पे, पीठ पे किस तरह से बांधी हुई हैं। काफी लकड़ी कर दी मामा जी अब आपने। अब हो गया ना स्टॉक। हाँ जी, पहला पहला दिन है ना आज। हाँ नहीं कभी ऐसा होता ना। हाँ जी, मौसम का 4-5 दिन मौसम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, स्टॉक रखना पड़ता है जी अंदर, ताकि रोटी तो बन सके। तब रोटी तो बन सके नहीं तो भूखे सो जाओ फिर। तो इन्हें कई जगह भूखे भी सोना। हाँ जी, छोटू इसको करने चाहिए सिटी को ऐसे। तो भाई यहाँ पे दाल उबलने लगी हुई है ना, और मामा जी वहाँ पे सेटिंग लगे हैं करने अंदर की। पहले ना इन्होंने ये वाले मैट बिछाए थे पहले अंदर, फिर इनको लगा कि ये जो तरपाल है पड़े हुए वेस्ट, इनको नीचे बिछाते हैं, उसके ऊपर फिर मैट बिछाएंगे। अभी ना इनको यहाँ पे रहेंगे शायद से मतलब 20-25 दिन या महीना, फिर उसके बाद शिफ्ट होंगे, तो थोड़ा सा बढ़िया सेटिंग करेंगे, बोला बिस्तर जैसे बनाएंगे। तो भाई यहाँ पे दम भरा जा रहा है, मतलब कि हुक्का तैयार किया जा रहा है दम लगाने के लिए, तो ये कटोरी कटोरी के अंदर रखते हैं तंबाकू ना, कटोरी कटोरी के अंदर तंबाकू, और तंबाकू के ऊपर फिर वो क्या बोलते हैं आग रख रहे हैं चिल्लम भर दी, अब हुक्का चलेगा यहाँ पे। अच्छा, तो तमाकू ने तो उठता है। हाँ हाँ अच्छा, हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, आजकल पता है। हाँ जी आजकल हो गए
तो भाई दाल तो पक गई वहाँ पे अपने ना, और अब यहाँ पे मामा जी लगे हैं प्याज काटने तड़के के लिए, और ये दो टमाटर रखे हुए हैं। आज तो भाई हम 3 लोग हो गए यहाँ पे, वैसे मामा जी यहाँ पे अकेले ही होते हैं, मतलब कि 500 भेड़े भी देखनी है, संभालनी भी है, अपने लिए खाना भी बनाना है सुबह शाम दिन में, तो मतलब क्या ख़तरनाक ज़िंदगी है भाई इनकी। लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है, पानी तो चलो पहाड़ पे यहाँ पे मिल जाता है, कई कई बार थोड़ी दूर भी जाना पड़ता है। बड़ी गंदी कुत्ती है। तो वही यहाँ पे लगा अब तड़का लगने दाल के लिए ना, प्याज डाल दिया, तेल वगैरह सब गर्म हो गया हुआ है इधर, तो प्याज डाल दिया। और आज हमारे मास्टर शेफ हैं यहाँ पे अरमान मलिक, अरमान नाम है इसका भाई ना, 9th में पढ़ता है छोटू। आज आया हुआ है मेहमान इधर मामा जी का, भतीजा इनका ये, तो खाना बनाने बहुत माहिर है ये, घर पे ही खाना बनाता है अपनी फैमिली के लिए। एक बार पिछले साल अच्छा ही यहाँ पर द्वार में त्राट बोलते हैं, अच्छा यहाँ रोड निकला हुआ है, अच्छा अच्छा बरादार दो बार अच्छा ही घूमना क्या करते, अच्छा तो भाई ये लग गया तड़का दाल को। यहाँ पे राजमा बनाए आज मामा जी ने, यहाँ पे अपने लोकल राजमा घर के, मनाली वाले राजमा पहाड़ों के। ये बड़ा वाला। तो भाई दाल बनकर तैयार होगी ना, ढक्कन भी रख दिया मामा जी ने इसके ऊपर, और अब वो रख दिया कुकर, इसमें बनाएंगे चावल, राजमा और चावल खाएंगे इन पहाड़ों में आज हम नोमैडिक शेफर्ड लोगों के साथ। भाई इनकी ना सारी भेड़े वहाँ से भागती हुई दौड़ती हुई आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई हमारे नोमैडिक शेफर्ड ना, तो देखो इनकी भेड़ बकरियाँ कैसे आ रही हैं दौड़ती हुई, इनको लग रहा है कि नमक देने के लिए बुला रहे हैं, कि नमक खिलाने के लिए बुला रहे हैं। तो सारी भीड़ है आगे इस तरफ, देखो ये देखो, ये सारी भेड़े भाई नमक ढूंढ रही हैं कि भाई नमक दे दो। जब एक जगह पे भाई सारी बकरियां रात के लिए इकट्ठी करनी होती है भेड़े ना, तो इस तरह से आवाज़ करते हैं और इस बहाने से हम इनको बुला लेते हैं। वो देखो थोड़ी वापस लग पड़ी होने की, वे नमक तो है नहीं, चलो थोड़ा वापस हो जाती हैं बोला। ये देखो ना, रात होने लगी है, और रात के टाइम पे तुम सामने के पहाड़ों को देखो, बर्फ वाले पहाड़ मनाली के ऊपर, और अब धीरे धीरे रात हो रही है, रात का मौसम आ रहा है, अब रात का टाइम आ रहा है, और ये इनकी भेड़ बकरियां यहाँ पे सारी, और वो सामने वाले पहाड़ों को भी देखो आप रात के टाइम पे, बर्फ वाले पहाड़ यहाँ पे, ये देखो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं दिखाएगा मेरा मोबाइल भाई इस टाइम पे, अब क्या ही करें। पर यहाँ पे देखो छोटू पूरा जोर शोर से खाना बनाने लगा हुआ भाई, बहुत तगड़ा मास्टर शेफ है छोटू यार,
छोटू कब से सीखा खाना बनाना? नहीं तो क्या बना तो रहा यार, तड़का तुमने लगाया दाल को और मान ऐसे क्यों बोल रहा है? अंधेरा हो गया भाई काफी ज्यादा ना। अब क्या है कि इस टेंट के अंदर ना धुआं आ रहा था, थोड़ी वीडियो ना इतनी मतलब साफ साफ से नहीं दिखेगी आपको। वहां पे ना अरमान ने लालटेन जला ली भाई, कितनी प्यारी लग रही है ना, वो कलर भी बढ़िया है इसका, येलो येलो सा। ये दूसरे वाली टॉर्च है जो कि चार्जिंग कर रहे थे, ये चार्जिंग वाली है। काफी लाइट है इसकी तुम्हारा भैया ना? ये तो कम है, आज किलोमीटर चलती है ये। अच्छा, ये तो आज कुछ भी नहीं, आज आज भी यार तो भाई अब हम लगे हैं डिनर करने ना, 8:15 बज रहे हैं। आज बना हुआ है चावल और साथ में बना हुआ है राजमा। तो हमारे यहाँ पे मामा श्री लगे हैं खाना सर्व करने, तीन लोग हैं आज हम यहाँ पे। वैसे अकेले ही होते हैं, कितनी अच्छी बात है कि आज हम तीन हैं और वैसे अकेले होते हैं। भाई ऐसे पहाड़ों पे राजमा और चावल खाना, जंगल में क्या बात है, सामने पैसे आग जल रही है, क्या नज़ारा है भाई यहाँ का। इसको देखो भाई, यहाँ अरमान को देखो, अरमान कैसे पैक हुआ है, टोपी टापी पूरी जैकेट पहनी हुई है। इधर ये चाचू जी हैं इनके ना, अरमान के चाचू हैं, तो इनकी जैकेट पहनी हुई है। ताऊ है, ताऊ, हाँ ताऊ है, सॉरी अरमान के ताऊ हैं, इधर ताऊ के पास है अरमान आज। इलाव वाला नमक, नमक देखेगा अरमान, देखो देखो आप ये दे दूं अरमान को, ले अरमान नमक देख, देंगे अरमान को, ये वाला खाओ आप खाओ, ये देंगे अरमान, ले ले बेटा है। तो भाई आज हम चल खा दे तेरे काला कुत्ता दिनाना, आज खाएंगे भाई हम राजमा और साथ में मूंग की दाल मिक्स की हुई है मामा जी ने, तो ये खाएंगे आज हम। वो कुछ नहीं है, ठीक है, ये उतना तो नहीं है पर स्ट्रॉन्ग। तो भाई अपना तो ना डिनर हो गया, अब यहाँ पे मामा जी ना अपने कुत्तों के लिए लगे हैं खाना डालने। देखो कुत्तों के लिए कितना बढ़िया खाना सजाया है उन्होंने, चारों कुत्तों के लिए अलग अलग रखा हुआ है। मां जी बहन तो भाई एक ही बर्तन में मतलब खिलाते हैं ना, तो कैरी करने की मुश्किल होती है ना कि चार चार बर्तन कैरी करने, फिर भी उन्होंने देखो चार बर्तन रखे हैं बढ़िया वाले। चावल डाले, दाल डाली और रोटी थी वो कढ़ाई वाली रोटी वो डाली, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, दूध नहीं है आजकल थोड़ा ना, दूध नहीं निकाल ला। तो बाकी भाई अपना खाना पीना हो गया, और यहाँ से देखो तुम हमटा पास है उस वाली तरफ को ना, तो वहाँ पे कुछ लाइटें जली हुई है, कितनी बढ़िया लग रही है, और आसमान में तारे चमक रहे हैं बहुत बढ़िया, मुझे दिख रहे हैं बट आपको नहीं दिखेंगे, मेरा मोबाइल दिखा नहीं पाएगा आपको, बट जो मैं आंखों से भी यहाँ पे व्यू देख रहा हूँ ना, वो क्या नज़ारा है भाई। वो देखो यहाँ पे, यहाँ पे लगे डॉगी खाना खाने, सबको दे दिया। भालू, एक डॉग का नाम है भालू स्वीटी। एक तो है इधर, भाई भाई बहुत ही खूबसूरत जगह है ना ये, जो व्यू है ना इसका, और रात के टाइम पे तो भाई मतलब ना वो पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे दिख रहे हैं वहाँ पे ना, जो बर्फ वाले पहाड़ हैं, मोबाइल से तो नहीं दिखेगा, और मतलब अकेला बंदा तो भाई मेरे साथ बंदा तो यहाँ पे डर से ही मतलब ऐसे हार्ट अटैक आएगा, बंदे को मर जाएगा,
और मामा जी को तो भाई सलाम है इनको यार, अकेले बंदे और 500 भेड़ें चार कुत्तों के साथ खुद अकेले संभालते हैं इनको यहाँ पे। देखो अरमान कितना बैठा हुआ बढ़िया मस्ती से यहाँ पे। सुनो टुपू जो आओ ना तिलगन ती मेरा डेरा तुर तक बैठी जी रहे ई नटड़ा बाजार नटा जाऊं है बे आउ छी तोर पुराना ए बे खत्म हुआ है जमाड़ी जाऊं हम सा नहीं आए हो तो सा दूज बंदे और ना काला बैठता हूं के लाल न तेरे हां टेंडा सा। तो भाई डिनर के बाद एक बार फिर से यहाँ पे ना हुक्का तैयार किया जा रहा है, हमारे मामा हुक्का तैयार करने यहाँ पे के डाल दिया तम्बाकू इसके अंदर देसी तम्बाकू और ये हुक्का इनका बड़ा तगड़ा ये किया ना, देखो पाइप लगाई हुई है हमारे घर में टूट गई ना। हाँ हमारे घर में ना मामा जी वो लकड़ी वाली है ना नड़ी कहते हैं उसको। नहीं नहीं नड़ी टूट गई मैंने ये टेम्परेरी के लिए। ये बड़ा अच्छा किया आपने। अरे चलो बेटी ये बात कौन देखता है। हाँ और क्या टाइम पास। हाँ जी इनके कुत्ते लगे भाई भौंकने परली वाली तरफ को ना बड़े जोर शोरों से, भालू का खतरा है बहुत ज्यादा यहाँ पे। भालू तो आएगा ही आएगा नया भालू। ए यहाँ नीचे पत्थर है अच्छा इसके ऊपर कुत्ती ने पकड़ा यहाँ से। अच्छा रात के भाई 9:30 हो गए और अब ना हम यहाँ पे हमारे मामा श्री बिस्तर लगे हैं करने सोने के लिए। मैं सोऊंगा उस वाली तरफ को लास्ट में ना, और जो हमारे मामा जी हैं भेड़ पालक वो सोएंगे इस वाली तरफ को, क्योंकि इनको अपनी भेड़ बकरियों की देखभाल करनी सामने पे, क्योंकि यहाँ पे ना भालू और वो सारी चीज़ें चलती रहती है तो इसलिए। तो भाई ये ना यहाँ पे चाय रख दी मामा जी ने बोला सोती बार एक चाय पियेंगे। इनके कुत्ते भौंक रहे हैं यहाँ परली वाली तरफ को और सामने पे इनकी सारी भीड़ बकरियाँ बैठी हुई है सामने, देखो आप आंखें चमक रही हैं भेड़ों की ना वहाँ पे। अब चाय पियेंगे हम और उसके बाद सो जाएंगे। फिर यहाँ पे टेंट के अंदर भी इस तरह किया हुआ है, थोड़ा सा धुआं है तब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, साफ नहीं आ रहा है। बाकी ये अरमान है यहाँ पे, अरमान के साथ नाइट कैंपिंग चल रही है आज यहाँ पे। अरमान की फिल्म बन गई। हाँ अरमान की फिल्म बन गई अब, अरमान के टीचर देखेंगे अब फिल्म स्कूल में, मैडम सर देखेंगे। अरमान तो भाई छाया हुआ है अरमान। घर क्या हुआ भाई? अरमान को सुला दिया भाई मामा जी ने यहाँ पे ना, अरमान सो गया यहाँ बीच में और बढ़िया गरम गरम कपड़े दे दिए इसको पट्टू वगैरह ओढ़ने के लिए। स्कूल का बच्चा है ये, ठंड ठंड महसूस करता है बहुत ज़्यादा। मैं सोऊंगा अपने स्लीपिंग बैग में परली वाली तरफ को ये डालना अपने, और मामा सोएंगे यहाँ पे। नहीं है जरूरत मामा जी, नहीं है हो जाएगा इससे ना, नहीं है जरूरत ठंडा नहीं होना, नहीं नहीं होता ठंडा, आप करो बिस्तर ना। तो बस भाई अब सो जाते हैं, सुबह मिलेंगे फिर आपको 5-6 बजे के आसपास। क्या प्यारी आग जल रही है यहाँ पे, ठंडा बाहर तो भाई इतनी ठंड है ना पूछो ही मत, बहुत टॉप वाली जगह है ना, हाइट वाली जगह है। आज नहा धो के आएगा वो भी, कल परसों हो जाएगा उसका, कल नहा धोनी आज शाम को भी कल। हाँ हाँ तो भाई यहाँ पे चाय बनाई जा रही है, बकरी के दूध की चाय पियेंगे हम। और ये सामने पे सारी भीड़ बकरियाँ इनकी हमारे मामा जी हैं, और ये सारी भीड़ बकरियाँ भाई वहाँ पे और यहाँ पे भाई, और भाई यहाँ पे हम सोए हुए थे, ये मेरा स्लीपिंग बैग यहाँ पे मैं सोया हुआ था, यहाँ पे छोटू और वहाँ पे जो हमारे भीड़ बालक मामा श्री हैं वो सोए हुए थे। और क्या ही नज़ारा है भाई यहाँ सामने का, तुम देखो अगर इस वाली जगह को ओपन कर देना भाई टेंट की जो बैक साइड है मतलब इसको ओपन कर देना तो सामने पे जो व्यू दिखता है ना वो तो बहुत ही ज़बरदस्त दिखता है भाई।